हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वे विल लर्न टुडे जनरल इंग्लिश आज हम लोग जनरल इंग्लिश जानेंगे ये जो आने वाले के एग्ज़ाम है 2023 इसके साथ साथ अगर आप पीआरटी टीजीटी और पी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सब वीडियो को स्किप ना करें पूरा पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो हम लोग पहले क्वेश्चन से अवगत हो जाएँ ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश के डायरेक्शन वन एंड टू इन द फॉलोइंग आइटम से वर्ड इज़ द फॉलोइंग बाई फोर एक्सप्लेमेंट्री एक्सप्रेशन चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड आपको स्टॉप गैप का जो बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग है वह बतानी है ए समथिंग सजेस्टेड टू क्रिएट ए ब्रेक बी ए डि यूज टू प्लग द गैप सी ए गैप क्रिएटेड थ्रू द फ्रिक्वेंट स्टॉप डी समथिंग इंटेंडेड फॉर यहां देखिए टेम्पररी यूज टेम्प्रोरी यूज ओके अब बताएं स्टॉप गैप का क्या मतलब होगा ऑप्शन को देख लें के इट्स आंसर इज डी इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी द मीनिंग ऑफ दर्ड स्टॉप गेप इज समथिंग इंटेंडेंड फॉर टेम्पररी यूज ओके कम टू द सेकेंड नंबर ए टॉल टेल ए नंबर में ऑप्शन आप देखें ए टेल दैट हैज गेंड पॉपुलरिटी थ्रू वाइड सर्कुलेशन बी एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ ए पैट्र हिस्ट्री ऑफ नेशन सी एन अकाउंट दैट इज द फैंसी फुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव डी एन अकाउंट ऑफ ए टेल दैट टेक्स फॉर टू लॉन्ग टू डिलीवर आप बताएं टॉल टेल का सेम मीनिंग क्या होगा यहाँ पर ओके इट्स आंसर इज सी एन अकाउंट दैट इज द फैंसी फुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव यानी इसका मीनिंग हो जाएगा एन अकाउंट दैट इज फैंसीफुल फैंसीफुल मैंने थोड़ा हम कल्पनाओं में रहते हैं डिफिकल्ट टू बिलीव जिसे विश्वास करना मुश्किल हो उसे टॉल टेल कहते हैं ओके कम टू दर्ड नंबर क्वेश्चन आपको अपोजिट वर्ड बतानी है अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको गिवेन जो मोस्ट नियरली वर्ड होगा आपको ब्लैंक का मीनिंग बताना है फुल बी डिफ्यूज सी स्टॉप डी इनिशिएट अब बताएं ब्लैंक का क्या थर्ड नंबर का सही उत्तर क्या होगा ओके इट्स आंसर इज ए देखिए ब्लैंक का जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फुल ब्लैंक मतलब ना के बराबर जो कम होता है जिसे हम लोग ब्लैंक एक्चुअली एम हो जाएगा ठीक है यानी खाली तो इसका क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा ठीक है कम टू द फोर नंबर फोर नंबर प्रश्न को आप समझ लें सुन हैज सेट ए बी सेट बी वाज सेट सी इज सेटिंग डी विल सेट जल्दी सूर्य जो है सेट हो चुका है आपको बतानी नहीं यहां पर क्या सही उत्तर होना चाहिए फोर नंबर में ग्रामर है ओके okay. इट्स आंसर इज डी विल सेट देखिए सुन आप आइडेंटिफाई कैसे सुन जब भी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शेलिक विल प्लस बी वन यानी सिंपल फ्यूचर में होगा ठीक है सुन रहने पर कम टू द फिफ्थ नंबर सी लिव्ड एट द मिडिल ऑफ ए ग्रेट वुड ए फॉर द मिडिल ऑफ बी इन द मिडिल ऑफ सी ओवर द मिडल ऑफ डी आफ्टर द मिडल ऑफ आपको बतानी यहां पर फिफ्थ नंबर का आप उत्तर दें इसका सही उत्तर क्या होगा ओके इट्स आंसर इज बी इन द मिडिल ऑफ देखिए इन द इन द सेंटेंस इन विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एट आप यहां पर जो एट है उसके जगह आप क्या प्रयोग करेंगे इन का प्रयोग करेंगे ठीक है और ऑफ तो जैसे वैसे ही रहेगा यानी प्रीपोजिशन है आप मेरे प्ले लिस्ट प्रिपोरेशन की वीडियो को देखें मैंने ग्रामर की काफी वीडियो डाली है अपने प्ले लिस्ट में आप विजिट करें प्ले लिस्ट को और वीडियो को देखें आप फिफ्थ नंबर का उत्तर दें आपने सही उत्तर दिया इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी इन द मिडिल ऑफ ठीक है यानी अर्थ होगा सी लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए ग्रेट वुड

डी समथिंग दैट इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड अब इसके उच्चारण को देख लेंगे पढ़ लेंगे इसे कई बार उसके बाद इसका उत्तर देंगे अब सिक्स नंबर का उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज बी समथिंग दैट इज डन इन ए हरी यानी इसका जो उत्तर होगा बी नंबर करेक्ट उत्तर होगा ठीक है यहाँ लिखा ना ही वॉन्ट अगेंस्ट मेकिंग ए टी डिसीजन तो क्या हो जाएगा समथिंग दैट इज डन इन ए हरी यानी आपको हेस्टी के जगह पर मीनिंग बतानी थी इसके स्थान पर तो आपके इसके स्थान पर आपने क्या प्रयोग किया इसका प्रयोग किया ओके कम टू द सेवन नंबर इच ऑफ द फॉलोइंग इडियम इज फॉलोड बाय फोर मीनिंग चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग मेक द ग्रेड यानी आपको इडियम्स बतानी है मेक द ग्रेड का क्या मीनिंग होगा ए टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बी टू ऑब्रक्ट ए प्लान ऑफ एक्शन सो एजू फॉल फॉल इट सी टू एंसर सम दी टू परफॉर्म वेल एन टू सक्सीड इन समथिंग आप सेवन नंबर का उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज डी टू परफॉर्म वेल एन अपू सक्सीड इन समथिंग इसका मीनिंग हो जाएगा ठीक है यानी yani, आपसे पूछा गया था इडियम्स कि मेक द ग्रेट का क्या मीनिंग होगा तो आप कह सकते हैं टू परफॉर्म वेल एंड टू सक्सीड इन समथिंग ओके कम टू द एट नंबर अब यहाँ डायरेक्शन दिया इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में अब बीन एन एरर चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी आपको एरर पकड़नी है आप सेंटेंस को समझें ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डेड ठीक है इन

ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल ठीक है वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ही वॉज क्या हो जाएगा ये रॉन्ग है क्या होना चाहिए ही वॉज डिक्लेयर्ड यहां प्रोनाउंस की जगह क्या हो जाएगा ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड ओके इन अराइवल कम टू द नाइन नंबर फिर आपको एरर बतानी है इंप्रूव करनी है सेंटेंस को ठीक है नाइन नंबर का प्रश्न को समझ लें आप कैसे इंप्रूव करेंगे यानी यह यहाँ देखे लिखा हुआ सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विच इज विद द हेल्प ऑफ गिव ऑप्शन आई रेफर टू द ईयर वेन द मॉनसून वाज फेल्ड ए हैज बिन फेलिंग बी वॉज फेलिंग सी फेल्ड डी इज फेलिंग अपनाई नंबर का उत्तर दें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अब प्रश्नों को समझ लें उसके बाद इसके उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज सी यानी क्या हो जाएगा यहां पर फेल्ड यानी I रेफर to the year देखिये यहां पर क्या हो जाएगा आई रेफर टू दर when the monsoon failed यहां पर वाज हट जाएगा और क्या हो जाएगा फेल्ड केवल ठीक है इस तरह के एरर आएंगे आपके एग्जाम में कम टू द टेन नंबर ही दैट हैड मोस्ट टाइम हैज नन टू लॉस ए आर मोस्ट टाइम बी हैड मस्ट टाइम सी इज मोस्ट टाइम डी हैज मस्ट टाइम अब टेन नंबर का उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज बी देखिए इसका हो जाएगा हैड मस्ट टाइम यहां पर मोस्ट की जगह पर क्या होगा मच होगा ठीक है बाद बाकी सेंटेंस तो सही है यानी पूरा हो जाएगा ही दैट हैड मस्ट टाइम हैज नन टू लॉस ओके ओके okay, आपने टेन क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद